लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है भाई, इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट्स, इज इट नेसेसरी दैट दे हैव सेम डायमेंशंस। तो भाई पहले इक्वेशन और टर्म्स का मतलब समझो। अगर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, सो दिस इज एन इक्वेशन, और इसके जो टर्म्स होते हैं ना वो एक्स हैं, वाई हैं और जेड हैं। और इवन अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू और टी टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। टर्म कौन सा है, यू टी है और हाफ ए टी स्क्वायर है और एस है। भाई इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं ना वो प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन से सेपरेटेड नहीं होते। तो इस इक्वेशन की बोलोगे तो यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगेगा कि एस इज़ वन टर्म, यू इज़ वन टर्म, टाइम इज़ वन टर्म, एक्सेलरेशन इज़ वन टर्म। ऐसा नहीं है भाई। कितने टर्म है इस इक्वेशन में, सिर्फ तीन, एस यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तीन ही टर्म है, ठीक है। मतलब टर्म्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, अगर उनके बीच में प्लस माइनस का सिंबल है तो ही वो टर्म्स कहलाएंगे। अब सोचो भाई, एक इक्वेशन कब डिफाइंड होती है। एक इक्वेशन डिफाइन ही तब होती है जब सारे के सारे टर्म्स का जो डायमेंशंस होता है और जो यूनिट्स होता है वो सेम ही हो, अदरवाइज़ कोई मतलब ही नहीं है। अभी जैसे मैं बात करूँ वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी की, तो अगर ये स्पीड है, फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक स्पीड की फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी इसकी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या है, स्पीड है, तभी दिस इक्वेशन मेक सेंस। भाई स्पीड को और टाइम को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, नॉनसेंस। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू नॉनसेंस है, ठीक है ना। आप दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को एक इक्वेशन में लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स रहेंगे उन सब की यूनिट्स भी सेम रहेगी और उन सब की डायमेंशन भी सेम रहेंगे, क्योंकि यूनिट सेम है तो डायमेंशन तो सेम रहेगा ही रहेगा। क्योंकि डायमेंशन निकालने का क्या तरीका होता है, किसी भी टर्म जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन में निकाल रहा हूँ तो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन क्या हो जाता है, एल बाय टी, ठीक है ना। तो यूनिट से ही तो डायमेंशन निकलता है, ठीक है ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल द टर्म, ऑल द थिंग्स विच आर हैविंग, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग सेम डायमेंशंस मे नॉट हैव सेम यूनिट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एनर्जी की बात करता हूँ और मैं टॉर्क की बात करता हूँ। तो टॉर्क आप लोग, हो सकता है कि जो वीडियो देख रहा है जो भी स्टूडेंट वो शायद ना पढ़ा हो, तो वो रोटेशन वाले चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, और जब रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि टॉर्क की डायमेंशंस भी होती है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो लेकिन एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल्स होती हैं, और टॉर्क की यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूटन मीटर होती है। तो क्या ये दोनों सेम यूनिट है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये क्या, ये टॉर्क और एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ऑल द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस मे नॉट बी सेम, ठीक है ना, मे नॉट बी हैविंग सेम यूनिट्स। जैसे यहाँ पर जूल आ रहा है, न्यूटन मीटर आ रहा है, लेकिन डायमेंशन का सेम आ रहा है। लेकिन भाई अगर एक ही इक्वेशन में तीनों टर्म है या चार टर्म है या पांच टर्म है, तो उन सब की डायमेंशंस और यूनिट सेम ही होंगी। तो इस क्वेश्चन को पूछने का क्या मतलब हुआ भाई, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का पूछने का, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पूछा हुआ है। और एस सी वर्मा के क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर की यही खास बात भी होती है, ठीक है ना। दे आर मेंट फॉर डिस्कशन, उसका कोई एब्सोल्यूट यस और नो में आंसर निकले जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था, जैसे जनरली हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं, क्वेश्चन को मारो गोली। एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग सेम डायमेंशंस मे नॉट हैव सेम यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी एंड टॉर्क, लेकिन एवरी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट्स विल डेफिनेटली हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है ना। जैसे वी की बात कर लो और ए टी की बात कर लो। वी की यूनिट्स क्या होती है, मीटर, और ए टी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो अल्टीमेटली ये क्या आता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसका भी क्या आता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आया, मीटर पर सेकेंड आया, तो डायमेंशन क्या होगी, एल बाई टी, एल बाई टी। तो सेम ही डायमेंशन आया ना यार, डायमेंशन निकालता ही निकाला ही जाता है यूनिट से,
तो वो तो सेम ही आएगा यार, है ना। कोई भी क्वांटिटी अगर जो यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस होती है, लेकिन कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है और वो यूनिट लेस है ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिग्री, ठीक है, एंगल की बात करता हूँ, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, पर क्या वो यूनिट लेस क्वांटिटी है? नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन है एक्चुअल में, जितना चाहो इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन तुम लोगों से तब बनेगा जब थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच डिस्कशन इज सफिशियंट फॉर दिस क्वेश्चन, तो थैंक यू।